होगा और उसको रोकना फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार के लिए जो है रोकना बहुत मुश्किल होगा। सर आज जो मीटिंग हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे हमने बुलाए हैं, आप जानते हैं कि DDC इलेक्शन से पहले जो भाजपा ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो 61,000 जो डिलीजियस कैजुअल लेबर्स हैं अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं झाड़ीदार हैं उनको जो रेगुलाइज किया जाएगा और उनका मिनिमम वेज एक्ट जो है उन पर लागू किया जाएगा। तो आज हम सरकार को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और भाजपा को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो गए और बम्पर जिसके साथ जम्मू प्रोविंस की बात करूँगा और पहली बार घाटी में भी कमल खिला है तो ये चाहिए कि जो 61,000 लोग हैं कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई थी उसके ऊपर जो डिलीजियस ने काम किया है ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। और उसके अलावा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमारी मीटिंग हमारी टीम एक दिल्ली में मिली थी और उन्होंने कहा था कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन ख़त्म होंगे आपकी जो है पॉलिसी और आपका जो मिनिमम वेज एक्ट है कम से कम यूटीज रेट भी आप लोगों को लाया जाएगा। तो उसके लिए आज अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे NYB है, साक्षर भारत मिशन है, PHE है, हेल्थ है, उसके अलावा फ्लोरिकल्चर है, PDD है, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, ये अलग अलग प्रेसिडेंट्स यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आए हैं। तो 5 तारीख को एक दूसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है जिसमें PHE के ही लोग होंगे और अगर सरकार ने इन जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी उसको पूरा नहीं करता है तो आगे जो आने वाला जो प्रोग्राम होगा बहुत सख्त होगा। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो किसान आंदोलन किस एक महीने से ज़्यादा हो रहा है पंजाब के अंदर चल रहा है, अगर सरकार ने हमारा ये किया तो हम उनका वेलकम करेंगे और हमें यकीन है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है हम उस पर खड़े हैं और सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला लेगी। अगर सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया तो इस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के तरफ से दिया जाएगा। आज कश्मीर के अंदर भी हमारा एक कन्वेंशन जो साउथ कश्मीर में अनंतनाग में चल रहा है और आज हमने भी यहाँ मीटिंग बुलाई है और नेक्स्ट मीटिंग 5 तारीख को होगी और अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस पर जो है कोई फैसला अब नहीं लिया तो ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसको रोकना फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार के लिए जो है रोकना बहुत मुश्किल होगा।